तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। हमें दिया है कि पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है और पुल की ऊंचाई 3 मीटर है। यहाँ हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। माना आकृति में ए और बी नदी के सम्मुख किनारे हैं, इसलिए ए बी नदी की चौड़ाई है, अतः हमें यहाँ एक त्रिभुज ए बी सी मिला जहाँ सी पुल पर एक बिंदु है। चलिए इसे हल करते हैं। चूंकि यहाँ सी डी पुल की ऊंचाई है, इसलिए सी डी ए बी पर लंब होगा। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कोण सी ए डी और कोण सी बी डी का मान कितना होगा? जी हाँ, अंतः एकांतर कोण से कोण सी ए डी का 30 डिग्री तथा कोण सी बी डी का 45 डिग्री होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि ए बी ए डी प्लस डी बी के बराबर है। समकोण त्रिभुज ADC में tan 30 डिग्री बराबर 3/AD होगा, जिसे हल करने पर हमें AD 3√3 मीटर के बराबर मिलेगा। इसी प्रकार त्रिभुज BDC में tan 45 डिग्री बराबर 3/BD होगा, जिसे हल करने पर हमें BD 3 मीटर मिलेगा। चूंकि AB AD और BD का योग है, इसलिए AB 3√3+1 के बराबर मिलेगा। अतः नदी की चौड़ाई 3√3+1 मीटर होगी। इसे अब अपनी कॉपी में लिख लीजिए।